नमस्कार, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी हाई रेजोल्यूशन वीडियो क्लिप्स को हम लो रेजोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी हाई क्वालिटी में शूट किए वीडियो को हम बस साइज में छोटा करेंगे, इससे वीडियो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा और इससे शॉर्टकट के बंद हो जाने वाली समस्या भी कम हो जाएगी। आप अपनी वीडियो क्लिप्स को शॉर्टकट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप थोड़ी थोड़ी क्लिप्स को शॉर्टकट में इम्पोर्ट करें। एक साथ सभी क्लिप्स इम्पोर्ट करने से शॉर्टकट फिर से बंद हो सकता है। इस वीडियो में हम 10 क्लिप्स को चुनकर उन्हें लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप अपने ओरिजिनल फाइल का साइज देखना चाहते हैं तो आप क्लिप पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं। आप यहां देख सकते हैं कि ओरिजिनल फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है और हम इसी साइज को कम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओपन फाइल में जाकर हमारे वीडियो क्लिप का फोल्डर चुनेंगे और वहां से 10 वीडियो को शॉर्टकट की प्लेलिस्ट में इंपोर्ट करेंगे। अब शॉर्टकट में एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और यहां जाकर ईच प्लेलिस्ट आइटम वाले विकल्प को चुनें। उसके बाद हम रेजोल्यूशन पर आएंगे और वहां जाकर उसे 1280 by 720 करेंगे। इन दो विकल्पों के सिवा आपको और किसी विकल्प को नहीं छूना है। अब हम एक्सपोर्ट फाइल के विकल्प को चुनेंगे। एक्सपोर्ट फाइल चुनते ही आपको अपनी फाइल कहां और किस नाम से सेव करनी है इसका एक विकल्प आएगा। एक बार नई फाइल की जगह तय कर लेने के बाद सेव के विकल्प पर क्लिक करें। सेव के विकल्प पर क्लिक करते ही जॉब्स वाली विंडो खुलेगी, जहां आप अपनी क्लिप्स का प्रोग्रेस देख सकते हैं। जब सभी फाइल कन्वर्ट हो जाए तो अपने नई फाइल के फोल्डर में जाकर एक वीडियो क्लिप पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज चेक करें। आप यहां देख सकते हैं कि कन्वर्टेड फाइल की साइज आपकी ओरिजिनल फाइल से बहुत कम है। अब आप इन कन्वर्टेड फाइल्स को अपनी टाइमलाइन पर लाकर एडिट कर सकते हैं। जब आप अपनी फाइनल फिल्म को एक्सपोर्ट करेंगे तो ध्यान दें कि आप रेजोल्यूशन को फिर से 1920 by 1080 कर दें। एक्सपोर्ट के बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आया है।
इसी तरह आप अपनी हाई रेजोल्यूशन फाइल्स को लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करके शॉर्टकट में एडिट कर सकते हैं। धन्यवाद।